भाटापारा में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। पिछले 8 साल से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर लगा रहा है। सेवा दल कार्यकर्ताओं के सहयोग से आयोजित शिविर में 145 लोगों ने रक्तदान किया। जोनल इंचार्ज गुरबख्श सिंह कालरा ने कहा कि मानवता की सेवा और मानवता की भलाई ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। रक्तदान शिविर में तहसीलदार ज्योति मसियारे मुख्य तौर पर शामिल हुई। अभी एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ब्लड देने जा रही हूँ। यहाँ पे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी इच्छुक जो स्वस्थ व्यक्ति हैं 60 साल तक के, 18 से 60 साल तक, वो अपना रक्तदान कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मेरा एज भी ठीक है, मैं भी इस बार अपना ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप जो है ये 1986 से निरंकारी मिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है और भाटापारा में शायद आठवां साल है भाटापारा में भी यहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है। पहले ये सारा रायपुर में होता था, फिर वो प्रयास हुआ कि यहाँ पर भी इसे चालू किया जाए ताकि और लोग जो लोकल लोग हैं वो भी जुड़ पाए। और आज 8 सालों से यहाँ पर भी ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, जो कि बहुत अच्छे से तरीके से यहाँ की जो टीम है, सेवा दल की टीम है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम मानवता की सेवा के लिए, मानवता की भलाई के लिए ये सेवा कार्य कर पा रहे हैं। भाटापारा के आज संत निरंकारी मिशन ब्रांच भाटापारा के संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आज इस विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सभी यहाँ देख रहे हैं कि किस कदर प्रत्येक मानव मात्र एक जुनून के साथ इंसानियत के लिए ब्लड डोनेट कर रहा है, चाहे वह भाइयों के रूप में हो, चाहे बहनों के रूप में हो, और सबके हृदय में एक ये जज्बा दिख रहा है कि मेरे शरीर का ये रक्त किसी न किसी इंसान के काम आएगा। कहते भी हैं कि इंसान के दिल में इंसानियत का मान हो, खून का बैरी न हो, खून मुश्किलें आसान हो, दूध की नदियां बहे और स्वर्ग बन जाए धरा, संसार में बेकल अगर इंसान बस इंसान हो। इस इंसानियत के रुतबे को मिशन बुलंद कर रहा है। तकरीबन ये 8वां ब्लड डोनेशन कैंप है भाटापारा का। अभी एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम